बताइएगा, हम यहाँ पे इलाहाबाद में खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है उज्जवल रमन सिंह या फिर नीरज त्रिपाठी किसकी तरफ लोगों का ज्यादा झुकाव है? ये सरकार में महंगाई कितना है, पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए, गाड़ी का दाम रेट बढ़ गया, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जो कि ये सरकार या कोई भी सरकार बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रही है। चाहे रवि पाल इलाहाबाद में मौजूद है और प्रचार के अंतिम दिनों में यहाँ पे ये समझने के लिए आए हैं कि लोगों के दिलों में क्या बदलाव हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले करछना में भी राहुल गांधी रैली करके गए, उससे पहले यहाँ पर बीजेपी ने बहुत सारी रैलियाँ की, नरेंद्र मोदी की रैली थी। तो और ये जो दुकान है यहाँ पर, मैं लोगों से बात करूंगा कि क्या क्या लोग सोचते क्या लोग नहीं सोचते हैं, है ना, कि यहाँ पे हो सकता है कि लोग बोलते ना हो, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन लोगों से बुलवाएं, लोगों से जाने, उनकी राय जाने। तो सामने चलते हैं, लोगों से बात करते कि आखिर लोग क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, क्योंकि जब मैं यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में गया तो वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि उज्जवल रमन सिंह जीत जाए, लेकिन कुछ लोगों की अपनी राय है कि नरेंद्र मोदी है तो हो सकता है नीरज त्रिपाठी। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश कुमार यादव है। अच्छा, हम दो दो दिन के बाद चुनाव है यहाँ पर, 2-3 दिनों के बाद, तो क्या लगता है कि आपको कुछ यहाँ परिवर्तन होगा या फिर से बीजेपी आ रही, यानी कि नीरज त्रिपाठी फिर से जीत रहे हैं? ऐसा है ना, सरकार कोई भी बने, हम लोगों को कोई दिक्कत है नहीं। जो चल रहा है अपना, वो चल रहा है, वो अपना देख रहे हैं, हम लोग अपना खा कमा रहे हैं। नहीं, कोई कुछ तो मिल तो रहा नहीं है, कोई कोई सरकार आई कुछ मिला क्या? ये सरकार में महंगाई कितना है, पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए, गाड़ी का दाम रेट बढ़ गया है। नहीं, 5 साल में आपको समय मिलता है ना बदलाव करने का, या तो फिर आपको लगता होगा कि नहीं मोदी जी ने अच्छा काम किया तो फिर से हम बीजेपी को लेकर के आए, या आपको लगता है कि नहीं इसने बहुत महंगाई की है तो हम इसको चेंज करें, कुछ तो आपके दिमाग में कर नहीं है, चेंज करेंगे हम लोग सरकार। अच्छा, इसका मतलब आप नीरज उज्ज्वल रमन सिंह को उज्ज्वल रमन के साथ में हम लोग। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा, अभी कल के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा यहाँ यहाँ पर, तो अगर अगर उज्ज्वल रमन यहाँ से जीत रहे तो क्या आंकड़े आपके कितने वोटों से उनकी जीत हो सकती है? वो तो पब्लिक के ऊपर है, रुझाव है ना, हम अकेले कैसे अकाउंट कर सकते हैं? जिस समय वोट पड़ने लगे उस समय हम लोगों को अनुभव पड़ेगा कि हाँ वोट किसके ऊपर ज्यादा जा रहा है। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। अच्छा, मुझे यहाँ का माहौल बताइएगा कि क्या चल रहा है लोगों के, मतदाताओं के दिमाग में? मतदाताओं के दिमाग में पहला मेन मुद्दा ये है कि यहाँ सर्वप्रथम बेरोजगारी और महंगाई का मेन मुद्दा है, जिस पर बीजेपी सब कुछ काम करते हुए मेन काम पर ध्यान नहीं दे रही, बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जो कि ये सरकार या कोई भी सरकार बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रही है, चाहे जो बन जाए, लेकिन बेरोजगारी कोई दूर नहीं कर पाएगा। और सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा है महंगाई का। अच्छा, महंगाई की बात बात करेंगे। मुझे एक बात बताइए, अभी 2 दिन पहले करछना में रैली हुई, उसमें राहुल गांधी ने की और नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रैली की, तो इन हाँ इनकी रैलियों में कुछ आपको अंतर दिख रहा है, क्योंकि आप मीडिया पे आप भी रहते होंगे सोशल मीडिया पर? अब अंतर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 24 तारीख 25 को वोटिंग होगी, वहीं अंतर समझ में आएगा 4 जून को। जिसको जहां वोट देना है वो तो देगा, निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हम लोग को जहां देना है हम लोग देंगे, वोट देंगे, और संभवतः मेरा जहां तक अनुमान है बनेगी तो बीजेपी की गवर्नमेंट, ये श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अब जीत हार कौन किसका कहां से ले जाएगा ये उसकी कर्मठता पर निर्भर करता है। जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश की रैलियों में भीड़ आ रही है, तो आपको लगता है कि जो पिछला गठबंधन हुआ था उससे सही गठबंधन ये काम कर रहा है? ऐसा नहीं हम सोच सकते, हम नहीं सोच सकते इस बात को, हम तो उनके कर्मठता पर देखते हैं। कर्मठ जो होगा वो निकालेगा, बट मेन चीज यही है, और जो कर्मठ नहीं है वो फेल हो जाएगा। अच्छा, छोटे छोटे सवाल लूंगा यहाँ से, एक तो उज्जवल रमन और नीरज त्रिपाठी क्या लगता है, क्योंकि जब मैं ग्रामीण एरिया में गया हूँ तो कहते कि उज्जवल रमन सिंह अच्छे वोटों से जीत रही है, तो आपकी आपकी क्या राय है इसके बारे में? हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि उज्जवल रमन सिंह पहले से ही यहाँ के निवासी है, मूल
और नीरज त्रिपाठी फर्स्ट चांस चुनाव लड़ रहे हैं, केसरी नाथ त्रिपाठी के लड़के हैं, ये फर्स्ट चांस चुनाव लड़ रहे हैं, भी अपर कास्ट तो इनको वोटिंग करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मान लिया जाए आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो आप कितनी सीटें कितनी सीटें आप सोचते हैं कि इनको जाएंगे? ये बहुमत पूर्ण पाएंगे ये तो श्योर है, बाकी अब सीट के बारे में आंकड़ा मुझे नहीं है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, तो उनकी छवि में कुछ, क्योंकि एक दिल्ली का वोटर अलग सोचता और यहाँ का वोटर अलग सोचता है, तो क्या उनकी छवि में कोई परिवर्तन हुआ? परिवर्तन ये है, देखिए ऐसा है ना, राहुल गांधी लीडर हैं नो डाउट, राष्ट्रीय लेवल के लीडर हैं, लेकिन बीजेपी की में जितने लीडर हैं सब छठे छठाए अच्छे लीडर हैं। अब राहुल गांधी के पास अखिलेश हैं, ये हैं, यही दो चार लोग जो है अच्छे लीडरों में है, बाकी तो हमको समझ नहीं आता है कि अच्छे लीडरों में है। फिलहाल देखिए 24 तारीख को 25 को चुनाव है, 25 के बाद 4 जून को निर्णय हो जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, एक लोग से और सवाल लेंगे। कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं इलाहाबाद में खड़ा हूँ और 2-3 दिन बाद यहाँ पे चुनाव है, तो क्या लगता है कि रमन सिंह, उज्ज्वल रमन सिंह या फिर नीरज त्रिपाठी, क्योंकि जो चुनाव की चर्चा है वो हर घरों में हर चौराहे पर है, तो आपकी क्या सोच है इस पर? तो सोच क्या है, मतलब हम लोग वोटिंग करेंगे नहीं, तो क्या किसको किसके जीतने के ज़्यादा चांस हैं, रमन सिंह के या फिर नीरज त्रिपाठी? अभी तो कहा नहीं यार, दोनों की लड़ाई टक्कर की है, अब तो समय आने पर पता चलेगा। अच्छा, मान लिया जाए दोनों की टक्कर की है, आप 24 में किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आप फिर से नरेंद्र मोदी को लाना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि यहाँ परिवर्तन हो, कोई और दूसरी पार्टी का नेता है बने प्रधानमंत्री, क्योंकि महंगाई और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर, आपको नहीं लगता कि कुछ बदलाव हो? बदलाव क्या, आप हमारे लिए तो ठीक ही हैं। अच्छा, छोटे छोटे दो सवाल आपसे, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कितनी सीटें आप आंक रही हैं उसको? ऐसे क्या कहा जाए, अब ऐसे क्या कहा जाए कितने हैं, वो तो समय आने पर पता चलेगा। अच्छा, राहुल गांधी को, राहुल गांधी के बारे में क्या सोच है आपकी, किस प्रकार का नेता है? अच्छा है नेता, लेकिन जब जीत जाए तब में उम्मीद नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो लोगों की यहाँ पे मिली जुली राय है, हम कहीं पर भी जाएं तो होता यही है कि वो यही कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे चांस बीजेपी के ज़्यादा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जातिवाद बहुत ज़्यादा है। तो अपनी अपनी राय, हमारा यही काम है लोगों के पास जाना, लोग उनकी बातें सुनना, मैं भी काउंटर सवाल कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं उनकी बातें ज़्यादा सुनना चाहता हूँ तो इसलिए उनकी राय ज़्यादा लेता हूँ। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा जर्नलिज्मोलॉजी, अगर आपको लगता है कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।